तो दोस्तों ये है फायर बोल्ट यूरिकेन स्मार्ट वॉच। तो भाई सबसे पहले मैं आप सबको दिखा देता हूँ कि ये है हमारा फायर बोल्ट यूरिकेन स्मार्ट वॉच, और आज के इस वीडियो में हम इस स्मार्ट वॉच का रीसेट करने वाले हैं। तो वैसे रीसेट करने के लिए वो करना है कि ऊपर से नीचे की ओर स्लाइड करना है, और यहाँ पे आप सबको सेटिंग के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। इसके ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पे सेटिंग ओपन हो जाएगा। उसके बाद हमें करना है कि स्लाइड करना है, और यहाँ नीचे की तरफ जाओगे तो यहाँ पे आप सबको रीसेट का ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो हमने रीसेट वाले ऑप्शन पे ही क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंफर्म टू रीसेट का ऑप्शन है तो हमने राइट क्लिक कर देना है। अब हमारा जो फायर बोल्ट ह्यूरिकेन स्मार्ट वॉच है वो रीसेट हो रहा है, और रीसेट होने के बाद ये वॉच ऑफ हो जाता है, उसके बाद ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। जैसे कि हमारा जो वॉच है वो ऑन हो गया है, और अभी हमारा जो वॉच है वो लोडिंग लेके ये रीसेट कम्प्लीटली डन होके ये ऑन हो जाता है। तो गाइज इस तरीके से आप सब फायर बोल्ट ह्यूरिकेन स्मार्ट वॉच को रीसेट कर सकते हो, बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी वे है। तो गाइज अगर आप सबको फायर बोल्ट ह्यूरिकेन स्मार्ट वॉच से रिलेटेड और भी कुछ मुझसे पूछना हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आप सबका रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर आप सबको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर आप सब हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही लेटेस्ट गैजेट से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।